चिल्लम चिल्ली वाला प्रोग्राम एक बार फिर से शुरू होने वाला है और वो भी नेशनल लेवल पर। और गाली गलौज, ढिसम ढासम, चुमार पीट, माँ बहन की गालियाँ, इसकी उसकी नज़र और बहुत सारा चटपटा अंदाज शुरू होने वाला है। हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 16 के बारे में। तो जी हाँ, नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूँ सभी का अपने चैनल आईडिया न्यूज में। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा होगा ना, उस पर क्लिक ठोक दो। तो जी हाँ, 16 मतलब बिग बॉस का सीजन नंबर 16 जो चालू होने वाला है, और चालू होगा अभी कौन से लोग, जो खाली होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे, और कई सारे नाम हैं जो बिग बॉस को लेकर चहल पहल मच रही है। और कहीं ना कहीं सब लोग जो कहते हैं ना टीवी से खाली होंगे, फिल्म इंडस्ट्री में खाली बैठे पड़े होंगे, उनको सलमान खान उठा के कहाँ लेके आने वाले हैं भैया, एक रूम में। और रूम में क्या करने वाले हैं, लड़ाई करने वाले, माँ बहन की गालियाँ होने वाली हैं, तरह तरह के कॉमेडी होने वाले हैं, और जितना भी घर में जो बैठ के खुन्नस होगा वो टीवी पर निकालेंगे। यही चीज़ एक बार फिर से बिग बॉस 16 की शुरुआत होने वाला, और इसके बाद कंटेस्टेंट की भी चर्चा होना शुरू हो चुका है। कई सारे नाम आ रहे हैं धीरे धीरे कि ये नाम है, वो नाम है, फलाने ढमकाना नाम है, लेकिन उनमें से एक यूट्यूबर का नाम आ रहा है जो कि पिछली बार किसी दूसरे बड़े यूट्यूबर का नाम आ रहा था, लेकिन इस बार जो मुंबई बेस का एक यूट्यूबर है, आशीष चंचलानी। जी हाँ भाई साहब, आशीष चंचलानी का जो कॉमेडी अंदाज होता है काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है, हमेशा लोटपोट करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ कोलैबोरेशन होता है, और अब वो भी सुनने में क्या एक खबर आ रही है कि भैया आशीष चलानी इस बार जो बिग बॉस है, अब ये OTT वाला में ज्वाइन होंगे या फिर जो लाइव 24 आवर लाइव चलता उसमें ज्वाइन होंगे या फिर मेन वाले में, ये ससुरा अभी तक कंफ्यूजिंग है। लेकिन आशीष चंचलानी को लेकर खबर आ रही है कि भैया OTT पे या फिर बिग बॉस सीजन में इस बार आशीष चंचलानी बिग बॉस में दिखने वाले हैं, क्योंकि पिछले बार अजय नगर का नाम आ रहा था लेकिन अजय नगर आया नहीं, कैरी मिनाटी, लेकिन इस बार आशीष चंचलानी का नाम सामने आ रहा है। जैसे इस पर कंफर्मेशन आएगा बिग बॉस की तरफ की टीम की तरफ से, कोई भी ऑफिशियली अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल क्या सोचते हैं, क्या आशीष चंचलानी को बिग बॉस में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।